Welcome to all of you. Our today's topic is computer network. Let us start. In this lecture, we will discuss introduction to computer network, its advantages and disadvantages, types of computer network. So let us start. So first of all, we will learn what is computer network. जैसे कि आपको पता है कि कोई भी दो एंड पॉइंट्स को आपस में जब हम कनेक्ट करते हैं तो जुड़ जाता है, आपस में कम्युनिकेशन कर लेता है। जैसे मान लो आपको यहाँ से तेजपुर जाने के लिए आप रोड नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। एक पॉइंट हो गया मिसामारी, दूसरा तेजपुर, ठीक है। दोनों एंड पॉइंट आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लाइकवाइज एयर नेटवर्क है, इसमें भी दो एंड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट होता है। आपका टेलीफोन का, मोबाइल का नेटवर्क है, इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क है। अब ये कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे, और केवल कनेक्ट होने से ही काम नहीं चलेगा। वो आपस में जो रिसोर्सेज हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उनको शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कंप्यूटर की नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस में सबसे पहले रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है एक दूसरे कंप्यूटर पे, ठीक है। वो एक फाइल को मल्टीपल कॉपीज के रूप में एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे स्टोर करके पूरे नेटवर्क के ऊपर एक्सेस किया जा सकता है। एक नेटवर्क के ऊपर जो हार्डवेयर है, जैसे आपका प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, ठीक है, इनको आपस में शेयर किया जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एक ऑफिस है, एक ऑफिस के अंदर सपोज 20 कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। प्रिंटर एक सेंट्रलाइज लगा दिया, स्कैनर एक सेंट्रलाइज लगा दिया, फैक्स एक सेंट्रलाइज लगा दिया, तो तीन चीजें होने से पूरे 20 कंप्यूटर उनको शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज सबके लिए अलग अलग लगाना पड़ता, तो इसमें ये बड़ा फायदा हो जाता है। तो रिसोर्सेज है, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हो, वो आपस के अंदर शेयर हो जाते हैं। अब शेयर जब हो जाते हैं, तो जब कोई चीज शेयरिंग में आती है तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। सबसे पहला बात तो ये है कि जब नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसके अंदर एक्सपेंसिव हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगते हैं, ठीक है, तो उसका एक एडिशनल कॉस्ट है। दूसरा, जब सारे सिस्टम आपस में जुड़ गए और एक दूसरे की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो सिक्योरिटी का बड़ा इशू आता है। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑलवेज प्रॉब्लम फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। फिर जब कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़ गया, उसको आपने इंटरनेट से जोड़ दिया, तो इंटरनेट से वायरस है, मालवेयर है, ये भी बार बार आते रहते हैं, जो आपके कंप्यूटर्स के ऊपर अटैक करते रहते हैं, जो आपकी फाइल्स और अदर इंफॉर्मेशन उसको नष्ट भी कर सकते हैं, डैमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम नेटवर्किंग की वजह से होती है। फिर आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको लीक होने का खतरा रहता है, ठीक है, क्योंकि सैड इंफॉर्मेशन कोई भी कहीं से घुसपैठ कर ले। फिर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, जब एक बार आपने सिस्टम नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गया तो आपकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के अंदर सारा डाटा जब सर्वर पे स्टोर कर दिया तो आपको अपना ही डाटा लेने के लिए सर्वर ओपन होने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर सर्वर ब्लॉक हो गया, आप अपना ही डाटा नहीं ले पाते हैं। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज थे। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पे। तो बेसिकली हमारे पास लैन, वैन, मैन, तीन तरह के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। इसके अंदर आजकल एक PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क ये भी जोड़ दिया गया है। तो बारी बारी से हम इसको डिस्कस करते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैन की। तो लैन के अंदर देखिए, एक छोटे ऑफिस में, एक कैंपस में,
या यूं कह लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर जब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है और रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। यह सबसे छोटा नेटवर्क आप लोगों का होता है जो आप एक स्कूल में भी यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग कैंपस मॉल्स उसके अंदर यूज किया जा सकता है। तो ये आप लोगों का एक छोटा 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ नेटवर्क है। इसको सिंपली RJ45 जो CAT6 केबल है उसके द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप देखिए डायग्राम, इसके अंदर एक छोटा सा नेटवर्क है वो दिखाया गया है। फिर उसके बाद आपका आता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क है, इसका जो दायरा है वो अक्रॉस द बाउंड्री होता है, ठीक है। छोटे छोटे जो लैन हैं जो डिफरेंट एरिया में फैले हुए होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करके जो एक नेटवर्क्स का नेटवर्क बनाया जाता है उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ये इंटरनेशनली फैला होता है, ठीक है। तो दिस इज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसके अंदर आप टेलीफोन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट तीनों तरह के साधन से इसको जोड़ा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये एक बड़े सिटी के अंदर फैला होता है। जैसे मान लो केबल टीवी वाले हैं तो ये केबल टीवी वाले एक पूरे शहर के अंदर केबल का नेटवर्क फैलाते हैं। जैसे यहाँ हम मिसामारी में बैठे हैं, यहाँ भी केबल का नेटवर्क फैला हुआ है। हर कॉलोनी के अंदर उनकी वायर्स जाती हैं, वो पूरे के पूरे उसको कनेक्ट किया हुआ है एरिया को उन्होंने, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से पूरे शहर के अंदर जो नेटवर्क फैला हो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का नेटवर्क का टाइप था। इसके बाद अगला टाइप है आपका पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है कि समथिंग इज वेरी पर्सनल। जैसे मान लो आपका पर्सनल लैपटॉप है, उसको आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, ब्लूटूथ के यूज करते हुए अपने हेडफोन से कनेक्ट करना चाहते हो, अपनी टैबलेट से कनेक्ट करना चाहते हो, वायरलेस कीबोर्ड माउस से कनेक्ट करना चाहते हो, प्रिंटर से कनेक्ट करना चाहते हो, तो 10 मीटर की दूरी के अंदर अंदर ये एक छोटा सा आपका पर्सनल जो एरिया जो नेटवर्क है ये इस्टेब्लिश आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज वेरी कॉमन टुडे, आजकल हर कोई इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये आप कंपैरिजन देखिए लैन वैन और मैन के अंदर क्या कंपैरिजन है, ठीक है। जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसका दायरा बहुत दूर तक फैला हुआ, फिर लैन है इसका दायरा 1 किलोमीटर के बीच में है, फिर पर्सनल एरिया ये बहुत ही छोटा दायरा है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये माइक्रोवेव सिस्टम है इसको यूज किया जा रहा है, यहाँ पर लैन के अंदर वाईफाई को यूज किया जा रहा है, केबल से भी आप इसको कर सकते हैं, और ये छोटा आपका जो पर्सनल है इसको आप इंफ्रारेड या ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था कंप्यूटर नेटवर्क और उसके टाइप्स, ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। और अगर इससे संबंधित आपको अगर कोई क्वेरी है तो गूगल क्लासरूम के ऊपर आप उनसे कभी भी कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी चैप्टर से संबंधित कुछ असाइनमेंट दिए हुए हैं, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और ये डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में डिफरेंस। तो ये आप अपनी नोटबुक में देख के इस PPT को यूज करते हुए आप अपना ये असाइनमेंट अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।